हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार टीलेट प्रवेश परीक्षा 2023 के बारे में। फ्रेंड, मेरे पास काफ़ी दिन से कोचाओं को मैं देखने को मिले कि सर आखिरकार बिहार टीलेट की तैयारी हम लोग कैसे करें, कौन सा बेस्ट बुक है, इसके बारे में बताइए। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारे कमेंट का आंसर देने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे इसका एग्जाम कब होगा, आपके लिए बेस्ट बुक कौन सी रहने वाली है, इसका सिलेबस क्या है, निगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं है, सारा इन्फॉर्मेशन और स्टेप बाई स्टेप समझने वाले हैं। तो अगर आप भी बिहार डेट का एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, आपके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट हो सकती है। सबसे पहले इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बिहार डिलेट से संबंधित पल पल की अपडेट सबसे पहले दी जाती है। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बिहार डिलेट का एग्जाम कब होगा। ठीक है, तो देखिए जो आपका एग्जाम होना है ये आपको 13 मार्च 2023 से लेकर 20 मार्च 2023 तक आपकी एग्जाम होगा। ठीक है, और इसका एडमिट कार्ड आप 2 मार्च से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं, जो कि बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट हैं कि सर इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग होगा या फिर नहीं होगा। तो मैं बता दूँ कि इस बार निगेटिव मार्किंग नहीं है, बिल्कुल भी आपका निगेटिव मार्किंग नहीं है। जितने भी क्वेश्चन चाहें आप उतना अटैम्प्ट कर सकते हैं, इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या 120 है, तो आप 120 क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए। निगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर नहीं गलत होता है तो कोई आपका नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके बेस्ट बुक के बारे में, कौन सी बेस्ट बुक है। तो देखिए, आप जितने भी बुक से पढ़ाई करते हैं, लूसेंट हो या फिर कोई भी बुक के माध्यम से आप स्टडी करते हैं, उसको तो पढ़िए ही पढ़िए, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप इस बुक को बाई कर सकती हैं जो कि मैं आप सभी कैंड के रिकमेंड करता हूँ, बहुत ही अच्छी बुक है, आप इस बुक को बाई कर सकते हैं। लोग बात करने वाले हैं बिहार टीलेट प्रवेश परीक्षा 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चस्सु प्रकाशन के द्वारा पब्लिश की गई है। और इस बार जो 2023 में बिहार टीलेट के लिए एग्जाम पैटर्न चेंज किया गया है, उस एग्जाम पैटर्न के अनुसार इस बुक को तैयार किया गया है। जैसा कि आपको मालूम हुआ, पहले 150 क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार 2023 में 120 क्वेश्चन ही रहेंगे। तो इसी एग्जाम पैटर्न के अनुसार इस बुक को तैयार किया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं, संपूर्ण गाइड बुक है जिसमें आपको जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट को कवर किया गया है। साथ ही 2 वर्ष का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, प्लस में आपको 3000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छी बुक है, मैंने खुद इस बुक को रीड किया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस के अनुसार इस बुक को तैयार किया गया है। तो बहुत ही अच्छी बुक है, इस बुक को जरूर बाय कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में, इसका सिलेबस क्या है। तो देखिए, मैंने सिलेबस के बारे में एक डिटेल में एक वीडियो अपलोड कर रखा है, वीडियो बना रखा है कि आखिरकार इसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस का जो वीडियो है उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उस वीडियो को देखकर आप इसके सिलेबस के बारे में पूरी डिटेल में समझ सकते हैं। क्योंकि मैंने एक एक पॉइंट को बताया है कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, मैंने सारा डिटेल बताया है। तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, या फिर मैं कमेंट बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। ठीक है, तो फ्रेंड, जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया है, आपके द्वारा पूछा गया था कि आखिरकार बेस्ट बुक कौन सा है, निगेटिव मार्किंग होगा या फिर नहीं होगा, इसका सिलेबस क्या है, तो मैंने आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया। फिर भी आपको बिहार डिलेट एग्जाम से संबंधित कोई भी क्वेश्चन होते हैं, कोई भी डाउट होते हैं, तो वीडियो के नीचे कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।